नमस्कार, आप देख रहे हैं बैंकिंग लोचा। मैं आरएस चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की भर्ती निकली है, यानी डायरेक्ट ऑफिसर। ये सारी भर्तियां वैकेंसी जो है सर्कल वाइज निकली हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है 1422। ये कौन से सर्कल में निकली हैं आप ये नोट कर लीजिए। भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट, इन सर्कलों में ये वैकेंसी निकली हैं। टोटल वैकेंसी हैं 1422। इसमें जो एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 21 से 30 वर्ष की रखी है। इसमें इन्होंने एज लिमिट में एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन इन्होंने रिलैक्सेशन भी रखा है एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का। इसमें एक्स सर्विसमैन भी ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो उनके कमीशन में 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। इसमें इनकी एक शर्त और भी है, जिस सर्कल में आप अप्लाई करेंगे उस सर्कल की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लीजिए आप कोलकाता में अप्लाई करते हैं तो आपको बंगला आनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये कंप्यूटराइज टेस्ट के शुरू होगा। इसमें जो जो आपको टेस्ट होंगे वो आप नोट कर लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सभी 18 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक आपको अप्लाई करना है। इसमें दोस्तों जो इसमें आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा कंप्यूटराइज, वो आपका 4 दिसंबर 2022 को होगा। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप उसका वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर के आप एक्विटेंट योरसेल्फ बुकलेट यहां पर आप एंट्री कीजिए। यहां आपको इनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और फॉर्म भी मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद फिर आप इसमें अप्लाई कीजिए। जो इनकी वेबसाइट है वो आप नोट कर लीजिए, https://bank.sbi/careers। जब आप करियर नहीं डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा, इसलिए स्लैश के बाद आपको करियर डालना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनका लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद इनकी सारी शर्तों को आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें सबमिट करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप इसमें सबमिट करेंगे उनका आप सेल्फ अटेस्ट कर देने के बाद उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और जब आपका एग्जाम या इंटरव्यू होगा उस समय आप ओरिजिनल के साथ इनको लेके जाइए। आपका वहां पर जब आपका जहां एग्जाम होगा वहां आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका होगा, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है वो ग्रेजुएट मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट,
कॉस्ट अकाउंटेंट, ये इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसमें डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक सलाह दूंगा कि आप इनका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। इनका जो वेबसाइट है आप दोबारा से मैं बताता हूं, आप नोट कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। https://bank.sbi/careers ये इनका वेबसाइट है। दोस्तों, स्टेट बैंक में जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं, वो इसमें अपना कैरियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।